NDTV reported exclusively on the fact that China had encroached into Indian territory, though it was under their control. They've actually built a whole village within the borders of Arunachal Pradesh. So today, people of that district have protested and said that the government must take action as China is encroaching and actually building settlements, civilian settlements of villages there. They also burnt effigies of the Chinese president. एनडीटीवी को भी बहुत शुक्रगुजार करना चाहूँगा. मैं भारत सरकार को, मोदी जी को एक अपील करना चाहूँगा कि आप इस मुद्दा को लेते हुए आज जो चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, इसको जो है रुकने का आप काम करें. सरकार इस पर बहुत ही जल्दी कुछ कार्रवाई करें. एमपीज, मिनिस्टर्स एक दूसरे पर ब्लेम, काउंटर ब्लेम नहीं करने से अच्छा है, क्योंकि चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों ही इसके जिम्मेदारी है. मैंने इस विषय में प्रधानमंत्री जी को भी मैंने लिखा था कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे रोड्स बन रहे हैं, स्पेशली अनिनी एरिया में. भारत सरकार अगर इसको इसमें थोड़ा ध्यान नहीं रखेगा तो शायद हमारा अरुणाचल प्रदेश को या सारा देश को ये बहुत बड़ा खतरा होगा.